हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे फॉर कॉमर्स। आज हम हमारे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, डैट इज़ कोऑर्डिनेशन। ओके, सो उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर दिस। ओके देन, ओके लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में जितने भी काम चल रहे हैं उन सबको इकट्ठा करना, ये होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है ये कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है कोऑर्डिनेशन को। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट? कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? फर्स्ट, इट सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज मीन्स सारे एक्टिविटीज़ को एक साथ लेकर चलना। ठीक है, सारे एक्टिविटीज़ को एक साथ लेकर के चलना, वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। और ये काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंडेवर्स टू अचीव ऑप्टिमम कोऑर्डिनेशन थ्रू इट्स बेसिक फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको इकट्ठा करके चलता कौन है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो इसलिए इसको मैनेजमेंट का बहुत ही एसेंस पार्ट कहा गया है। ओके, नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट की ज़रूरत सारे लेवल्स में पड़ती है। हमने तीन लेवल पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, तो सारे लेवल्स में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, मीन्स सॉरी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, टू फर्स्ट इज टॉप लेवल। टॉप लेवल में क्या ज़रूरत है? टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेट मीन्स टू कंबाइन, सारे एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके चलना। ठीक है, लुको, फर्स्ट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनको सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती है। ठीक है, तो उनको सारे के सारे एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके चलना है। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। देन द नेक्स्ट वन इज़ मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में क्या होता है? देखो, हमने पहले डिस्कस किया था कि मिडिल लेवल में कौन लोग आते हैं। मिडिल लेवल में वो लोग आते हैं जो सारे डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, उनके जो भी हेड होते हैं वो आते हैं मिडिल लेवल में। ठीक है, सो उनके एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना, उनके सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। क्या लिखा है इसमें? सेवरल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, देयरफॉर दे नीड टू कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली टू इंश्योर दैट दे वर्क इन अ हारमोनियस मैनर। ठीक है, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर के चलना होता है कोऑर्डिनेशन में। देन कम्स द लोअर लेवल। हमने पहले डिस्कस किया था कि लोअर लेवल कौन होते हैं। लोअर लेवल में वो लोग आते हैं, वो मैनेजमेंट आते हैं जो वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो लोअर लेवल्स इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कौन कंबाइन करते हैं? उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट कंबाइन करके रखते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स, देखो, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंस पार्ट है, हमने पहले ही देखा। सो कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ
कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि जैसे जैसे हम मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस करते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, सो इन सब को साथ लेकर के चलना, लेकर के कौन चलता है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है. सो इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर फंक्शनिंग एफिशिएंटली कंपनीज मस्ट अचीव एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज ऑल परवेसिव. परवेसिव मीन्स वो काम जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में ज़रूरत होते हैं, सारे लेवल्स में ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है. सो रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स एंड डिपार्टमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन ईच अदर. अभी हमने देखा कि सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे लेवल्स में ज़रूरत पड़ रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके रखता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव. देन द लास्ट वन इज यूनिटी ऑफ ग्रुप एफर्ट. एवरी मैनेजर मस्ट एम एट कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टू अ कॉमन गोल. सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जो भी गोल्स है उनको एक कॉमन गोल सेटअप करके देना, ठीक है. तो ये होता है यूनिटी ऑफ ग्रुप एफर्ट. देन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट, एज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑल्सो इंक्रीजेज. ओके, सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन गोल. So coordination is required to synchronize all the activities. देखो क्या लिखा है. एक organization में हमने पहले देखा था बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है. तो उन सारे लोगों का एक common, एक अपना personal goal होता है, ठीक है. तो उनका एक जो goal होता है उनको हम लोग कैसे synchronize करके एक common goal की तरफ लेकर के जाते हैं, सो वो इम्पोर्टेंस होता है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है. देन द सेकेंड वन इज देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, सारे अपने अपने काम में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं. इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन टू सो मच ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है. तो सारे के सारे अगर अपने मनमर्जी से चलने रहिए तो सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. सो देर इज़ अ नीड टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन. तो सारे स्पेशलिस्ट के जो भी काम होता है उनको एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस. ओके, सो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं. एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.